एक लेडी जब अपने बचपन वाले घर में जाती है तो वहां घर में रखी दो पेंटिंग्स की आंखें इस लेडी को फॉलो करती है। तो आखिर क्या है इन पेंटिंग्स का राज, आखिर क्या है इस लेडी का पास्ट, जानने के लिए आपको आज की वीडियो देखनी होगी जो कि क्रैक्ड मूवी पे बेस्ड है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप में से अब भी कई ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम रुजा नाम की लेडी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी रेचल को अकेले ही पाल रही थी। रेचल की आंखों में कुछ प्रॉब्लम थे जिसके कारण धीरे धीरे वो अपनी आई साइट लूज कर रही थी और ऐसे में रुजा को अपनी बेटी की आई ऑपरेशन जल्द से जल्द करवानी थी। तो एक रात रुजा के फादर का दोस्त विचिया इनके घर आता है और वो रुजा से कहता है कि इन्हें वापस थाईलैंड आना चाहिए क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन रुजा मना करते हुए उसे दरवाजे से ही लौटा देती है। अब रात को सोते वक्त रुजा को अपनी बेटी की जगह बेड पर एक घोस्टली फिगर दिखाई देती है जो कि रुजा से कहती है कि तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। ये देखकर रुजा काफी डर जाती है और तभी उसकी आंख खुलती है, विच मीन्स कि ये बस एक नाइटमेयर था। अब यहाँ हम देखते हैं कि रुजा थाईलैंड आ चुकी थी, जी हाँ, और वो रेचल को लेकर अपने उसी पुराने घर में जाती है जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। इस सीन से एक बात क्लियर थी कि रुजा शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी तभी वो थाईलैंड वापस आई थी। कमिंग बैक टू स्टोरी, हम रुजा को घर में एक फैमिली फोटो को निहारते देखते हैं और यहाँ उसे महसूस होता है कि इस पेंटिंग में उसके पिता की आंखें मूव हुई। ये देखने के बाद रुजा रेचल को यहाँ से लेकर अपने रूम में ले जाती है और नेक्स्ट सीन में हम डा को देखते हैं जो कि रुजा को बताती है कि वो पहले उसकी बेबी सिटर हुआ करती थी। इसी बीच विचाई यहाँ आता है जो कि रुजा को स्टूडियो में आने के लिए कहता है। रुजा स्टूडियो जाती है जहाँ विचाई उसे दो पेंटिंग्स दिखाता है जिन्हें रुजा के फादर ने बनाया था। इनमें से जो पहली पेंटिंग थी उसे कई मिलियंस में एक आदमी को बेचा गया था, लेकिन उस आदमी ने कुछ समय बाद इस पेंटिंग को वापस लौटा दिया एंड बाद में खबर आई कि उस आदमी ने अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली की जान ले ली थी। इस पेंटिंग के साथ वो आदमी एक नोट छोड़ दिया था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें तुम्हारे ओनर के पास लौटा रहा हूँ। विजय रुजा को बताता है कि अब एक दूसरा मिलियनेयर इन दोनों पेंटिंग्स को खरीदना चाहता है, इसीलिए विजय को रुजा की परमिशन चाहिए टू सेल दीज पेंटिंग्स क्योंकि अपने फादर की मौत के बाद वही इन पेंटिंग्स की ओनर बन गई है। रुजा विचाई से कह देती है कि वो इन पेंटिंग्स के साथ जो करना चाहे कर ले क्योंकि वो जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना चाहती है। अब इन पेंटिंग्स में थोड़े क्रैक्स आ गए थे तो इनके रेस्टोरेशन का काम विचाई का बेटा टिम करने वाला था। रुजा कहती है कि इन पेंटिंग्स को बेचने के बाद वो अपना घर भी बेच देगी। दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी और तभी कोई उसे एक रेड स्कार्फ पहना देता है। अब रेचल को लगता है कि डा उसे ये स्कार्फ पहनाई थी, लेकिन डा ऐसा नहीं करी थी। इस घटना के बाद रेचल को अपने रूम में कुछ क्रैक होने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो अपने सामने वाले दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे दरवाजे के ठीक बीच में एक कपड़ा फंसा हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है एन वक्त पे रुजा वहां आ जाती है एंड रेचल टर्न करती है ना, वापस टर्न करने पे ये कपड़ा गायब हो चुका था। अब रात को हम डा को देखते हैं जो कि वो रेड स्कार्फ ले जाकर जंगल में बने एक घर के पास बांध देती है जहां वो प्रे करते हुए एक स्पिरिट से कहती है कि वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा करने के बाद अचानक ही बहुत तेज हवा चलने लग जाती है जिसके बाद डा के पैर में वो रेड स्कार्फ अपने आप ही बंध जाता है और वो डा को खींचता हुआ ले जाने लगता है। इस पॉइंट पे डा किसी तरह अपने आप को बचाकर यहां से भाग जाती है। अब इस पॉइंट पे हमें रुजा के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां रुजा खुद एक बच्ची थी और वो अपनी मदर से पूछती है कि उसके डैड उसकी मदर की ऐसी पेंटिंग्स क्यों बनाते हैं, जिसपे उसकी मदर बताती है कि ये सब उसके डैड को पेंटिंग्स बनाने में हेल्प करता है। लेकिन ये बताते वक्त रुजा की माँ रोने लगती है जिसपे रुजा उनसे पूछती है कि वो रो क्यों रही है, जिसपे रुजा की माँ कहती है कि वो अपने डैड के स्टूडियो में ना जाए और वो इस बात को काइंड ऑफ टाल देती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां रुजा पुरानी बातें याद करके रो रही थी जिसके बाद रुजा की आंख बीच रात में खुलती है और उसे अपने बगल में रेचल कहीं दिखाई नहीं देती। रुजा रेचल को नीचे कहीं चलता हुआ देखती है तभी उसे रेचल की आवाज सामने से सुनाई देती है। रुजा रेचल को देखने सामने के रूम में जाती है जहां अचानक से एक हाथ बेड के नीचे से निकलता है और रेचल को पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि रुजा रेचल को बचा पाती दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और रुजा का हाथ दरवाजे में दब जाता है। तभी एक बार फिर रुजा की आंख खुलती है एंड येट अगेन ये सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन रेचल यहाँ सचमुच अपने बेड पर नहीं थी। रुजा भागते हुए नीचे जाती है जहां उसे डा मिलती है और वो दोनों मिलकर जंगल में रेचल को ढूंढने लगते हैं।
ढूंढते हुए रोजा उस स्टूडियो में पहुंचती है जहां उसे भी क्रैक की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि रेचल उसके साथ खेल रही है, लेकिन हम यहां अल्टरनेट सीन में रेचल को उस जंगल में देखते हैं जहां वो किसी से कह रही थी कि वो डरती नहीं है। स्टूडियो में रोजा को चादर के अंदर कोई उठता हुआ दिखता है जो कि सीधा रोजा पे अटैक कर देता है। रोजा चादर के अंदर से बाहर नहीं आ पा रही थी और तभी चादर के अंदर दो हाथ रोजा के चेहरे पे आ जाते हैं जो कि उसे खींच लेते हैं। रोजा किसी तरह इससे बचते हुए बाहर आती है और यहाँ से भाग निकलती है। वहीं जंगल में हम एक काला सांप को देखते हैं जो कि रेचल को डसने ही वाला था, लेकिन तभी एक आदमी आकर रेचल को बचा लेता है। इस आदमी का नाम टिम था और वो रेचल को रोजा के पास ले जाता है और उसे बताता है कि रेचल उसे जंगल में मिली थी। रोजा रेचल से पूछती है कि वो अकेले कहाँ चली गई थी, जिस पर रेचल बताती है कि वो एक रेड स्कार्फ वाली औरत के साथ जंगल में गई थी। अब ऑब्वियसली रोजा को रेचल की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो रेचल को डांटती है। वो लोग टिम को घर के अंदर इन्वाइट करते हैं और टिम यहाँ रेचल से काफी घुल मिल जाता है। रोजा टिम से पूछती है कि पेंटिंग सही करने में उसे कितना वक्त लगेगा, जिस पर टिम कहता है कि उसे पहले वो पेंटिंग्स देखनी होगी। टिम स्टूडियो में आता है जहां उसे एक बॉक्स गिरा हुआ मिलता है जिसमें कुछ पुरानी फोटोज थी और इन फोटोज में एक लेडी को स्ट्रैप से बांधा गया था। खैर, इसके बाद टिम को भी क्रैक की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो देखता है कि पेंटिंग में बनी औरत की आंखों में क्रैक पड़ गया था और ऐसा होते ही बाहर मौसम बहुत खराब हो जाता है। ऐसे में टिम रोजा के पास जाकर उसे स्टूडियो लाता है जहां हम देखते हैं कि जब पेंटिंग में क्रैक पड़ा था तो उसकी लेयर को टिम ने हटा दिया और उसे पेंटिंग के पीछे एक आंख बनी हुई मिली। टिम पेंटिंग की लेयर को हटाकर देखने के लिए कहता है कि आखिर इसके पीछे है क्या, लेकिन रोजा इस पेंटिंग पे काम खत्म करवाना चाहती थी, इसीलिए वो पेंटिंग को वापस फिक्स करने के लिए बोलकर यहाँ से जल्द जाने के लिए कहती है। टिम कहता है कि लोग मानते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग हॉन्टेड है, उसे देखने वाला किसी भी एंगल से उसे देखे, मोनालिसा की आंखें उसे फॉलो करती है। टिम रोजा को डिफरेंट एंगल से उस पेंटिंग को देखने के लिए कहता है एंड सरप्राइजिंगली उस पेंटिंग की आंखें असली सी नजर आती है, जिससे वो घबरा जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में कहानी वापस पास्ट में जाती है जहां हम देखते हैं कि रोजा को बचपन में जंगल वाले घर में कई पेंटिंग्स गिरी हुई मिली थी और आसपास काफी खून बिखरा हुआ था। तभी रोजा के हाथ वाली पेंटिंग के ऊपर भी खून गिरता है और जब रोजा ऊपर देखती है तो उसे वहां वही काला सांप दिखाई देता है। इस सांप से डर के रोजा भाग जाती है और यहां भी वो समझ पाते हैं कि रोजा कुछ तो छिपा रही थी जो कि उसके बचपन के टाइम हुआ था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां डार रेचल को रोजा के बचपन की चीजें दिखा रही थी और रेचल को यहां रोजा की एक पुरानी ड्रेस मिलती है जिसे वो रोजा को दिखाकर पूछती है कि क्या वो ये ड्रेस पहन सकती है। रोजा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और रेचल को वो ड्रेस पहनने से मना कर देती है। इसके बाद रोजा वॉशरूम जाती है तो उसे वहां वही काला सांप दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन अगले ही क्षण वो सांप गायब हो जाता है। रोजा वॉशरूम से बाहर आती है तब रेचल रोजा से कहती है कि बेड के नीचे कुछ है। बेड के नीचे देखने पर रोजा को दूसरी तरफ किसी के पैर दिखाई देते हैं और कमरे के अंदर अंधेरा हो जाता है। वापस बेड के ऊपर देखने पर उसे एक बहुत ही स्केरी लेडी दिखाई देती है जो कि रेचल को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। इस लेडी ने अपने हाथ में रेचल की दोनों आंखें ले रखी थी और इस लेडी के पास वाला काला सांप रेचल की एक आंख से होता हुआ बहुत ही क्रीपी तरीके से दूसरी आंख से निकल जाता है। इसके बाद वो रेड स्कार्फ से रोजा का गला दबाने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद रोजा रेचल को लेकर यहाँ से जाने लगती है। रोजा को नीचे टिम मिलता है और वो रोजा को शांत रहने के लिए कहता है और अश्योर करता है कि एक बार बाहर बारिश रुक जाए तो वो उन्हें खुद अपनी कार में छोड़ने जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम रेचल के पैर में एक एंकलेट बांध देता है जो कि इविल स्पिरिट्स वगैरह से उसे दूर रखने में मदद करेगा। इसके बाद टिम वापस पेंटिंग के काम में लग जाता है, जिसके बाद रोजा टिम के पास जाती है और कहती है कि बारिश रुक गई है इसलिए उन्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। टिम रोजा से कहता है कि कुछ है जो उसे अंदर आकर देखना होगा। रोजा अंदर आती है और टिम रोजा को बताता है कि उसने पेंटिंग के लेयर को हटा दिया था जिसके पीछे एक आदमी का चेहरा सामने आया जो कि पेंटिंग में बनी औरत को ही देख रहा था। टिम रोजा से कहता है कि अगर वो इस पेंटिंग की पूरी लेयर को हटा देगा तो उन्हें पूरा सच पता चल जाएगा, लेकिन रोजा ये सब कुछ नहीं जानना चाहती थी और वो उसी पे भड़क कर यहाँ से चलने के लिए कहती है। ऐसे में टिम अपनी कार में रोजा और रेचल को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में कार खराब हो जाती है। रेचल कार विंडो से बाहर जंगल की तरफ एक औरत को जाते हुए देखती है जो अचानक से ही उसके विंडो पर ही अटैक कर देती है। अब जब टिम और रोजा पीछे पलटकर देखते हैं तो रेचल गायब हो चुकी थी। नाउ ये दोनों रेचल को ढूंढने जंगल में जाते हैं जहां इन्हें रेचल के पैर के एंकलेट की आवाज सुनाई देती है। रोजा समझ जाती है कि ये आवाज जंगल में बने उस घर से आ रही थी, इसलिए वो उस तरफ जाती है। यहाँ उसे वो रेड स्कार्फ पकड़ लेता है और उसे खींचकर घर के सामने ले आता है जहां बचपन में उसने वो ब्लडी पेंटिंग्स देखी थी। इस घर में वो एक बच्चे की डरावनी पेंटिंग देखती है, तभी उसे रेचल की चीख सुनाई देती है और वो भागकर बाहर जाती है जहां डार रेचल को एक कुएं में धक्का देने वाली थी।
इस पॉइंट पे डा के इरादों का पर्दाफाश हो गया था और वो बताती है कि यहाँ एक इविल स्पिरिट है जिसने डा से कहा है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहती है तो उसे रेचल को मारना होगा। पीछे से टिम आता है और वो डा के सर पे अटैक करता है और रेचल को बचा लेता है। गुस्से में रुजा उसी स्टूडियो में जाती है और उन पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम रेचल को पजेस्ड हालत में देखते हैं जहां वो कहती है कि पेंटिंग्स को खत्म करके भी वो रेचल को नहीं बचा सकते। इसके बाद जैसे ही रेचल टर्न करती है उन दोनों पेंटिंग्स में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाती है और एकदम सही उनकी लेयर्स हट जाती है। इसके बाद रेचल रुजा पे हमला कर देती है और उसका गला दबाना शुरू करती है। टिम रुजा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन रेचल उसे दूसरी तरफ फेंक देती है। इसके बाद रेचल अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसके बाद रुजा, टिम और एज एन ऑडियंस हम उन पेंटिंग्स को ध्यान से देखते हैं जिनमें से पहली पेंटिंग में तीन नेकेड आदमी एक नेकेड लेडी को घेर कर बैठे हुए थे और दूसरी पेंटिंग में एक लेडी ने अपने आप को फांसी लगा रखी थी और उसके ठीक नीचे एक बच्चा खड़ा था। तभी अचानक ही लाइट चली जाती है, इसके बाद उन पेंटिंग से वही रेड स्कार्फ वाली इविल स्पिरिट बाहर आ जाती है। अचानक ही वो इविल स्पिरिट टिम के पीछे अपीयर होती है जिसे देखकर रुजा बहुत डर जाती है और ठीक इसी समय विजय यहाँ आ जाता है और रुजा उससे हेल्प मांगने लगती है। विजय उन पेंटिंग्स को घूरने लगता है और तभी टिम रुजा को अटैक करके बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि टिम ने विजय और रुजा को बांध कर रख दिया था और यहाँ हमें पता चलता है कि ये टिम विजय का बेटा था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, विजय कहता है कि ये तो मेरा बेटा टिम है ही नहीं और टिम विजय से पूछता है कि इन पेंटिंग्स का पूरा सच क्या है, जिसपे विजय बताता है कि कई साल पहले रुजा के फादर ने एक लेट नाइट पार्टी रखी थी और पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने अपने दो खास दोस्तों को यहाँ रोक लिया था। इसके बाद उन्होंने एक पेंटिंग बनाने का डिसाइड किया था विथ हिज मॉडल प्रांग। इस पेंटिंग के लिए रुजा के फादर ह्यूमन के वाइल्ड इमोशंस को कैप्चर करना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी मॉडल और अपने दोनों दोस्तों और विजय को वहां फ्लोर पर नंगा बिठा दिया। इसके बाद रुजा के पिता के तीनों दोस्तों ने प्रांग को अब्यूज किया और रुजा के जो पिता थे वो इस पूरे इमोशंस को ड्रॉ करते रहे जबकि उन्हें प्रांग की मदद करनी चाहिए थी। पेंटिंग बन जाने के बाद रुजा के फादर ने उस पेंटिंग में प्रांग को छोड़कर सबको छिपा दिया था और पेंटिंग पूरी हो जाने के बाद इस पेंटिंग को उन्हीं में से एक फ्रेंड ने परचेज कर लिया था एंड ये वही मिलियनेयर था जिसकी इस पेंटिंग से सबसे पहले मौत हुई थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि टिम ने विजय को जान से मार दिया था और अब स्टोरी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि दरअसल ये लड़का टिम नहीं है बल्कि वो प्रांग का बेटा है। जी हां दोस्तों, उसने यहां आने से पहले असली टिम को जान से मार दिया था। तो प्रांग की कहानी में आगे हम देखते हैं कि प्रांग जो कि अपने मास्टर यानी कि रुजा के फादर से प्यार करती है, उसे रियलाइज हो जाता है कि रुजा के फादर उसे प्यार नहीं करते बल्कि बस उसका इस्तेमाल करते हैं अपने पेंटिंग्स बनाने के लिए। प्रांग का बेटा जब छोटा था तब वो और रुजा काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन जल्द ही रुजा की माँ रुजा को उससे दोस्ती ना रखने के लिए कहती है, सेइंग कि वो लोग अच्छे लोग नहीं है। इसके बाद डा एक शमन के साथ जंगल में बने प्रांग के घर की तरफ आती है जहाँ वो शमन कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर उस घर में एक काला सांप छोड़ देता है। जी हाँ, वही काला सांप जो कि रुजा को कई बार दिखाई दिया था। इसके बाद एक रात रुजा का फादर प्रांग को सीलिंग से लटकाकर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन इस दौरान प्रांग का गला घुटने लग जाता है और वो छटपटाने लगती है, लेकिन उसकी हेल्प करने की जगह रुजा के पिता उसकी पेंटिंग बनाने में लगे रहते हैं। लिटिल रुजा और प्रांग का बेटा ये सब बाहर खिड़की से देख लेता है और प्रांग का बेटा भाग कर प्रांग को बचाने आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। मौका पाकर रुजा की मदर यहाँ आ जाती है लेकिन वो भी प्रांग की हेल्प करने की जगह रुजा को यहाँ से लेकर चली जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां प्रांग का बेटा रुजा से कहता है कि वो रेचल को फांसी लगा देगा और अब रुजा को पता चलेगा कि किसी अपने को खोते वक्त कैसा महसूस होता है। इतना कहकर वो अपने बैग में हाथ डालता है लेकिन इतने में ही उसे वो काला सांप डस लेता है जो कि उसके ही बैग में पड़ा हुआ था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां डा ने टिम के बैग में वो काला सांप रखा था ये सोचकर कि वो प्रांग की पेंटिंग का असली सच सबके सामने ले आएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये असली टिम का बैग नहीं बल्कि प्रांग के बेटे का ही बैग है। प्रांग का बेटा उस सांप को शूट करने लगता है और मौका पाकर रुजा अपने आप को फ्री करा लेती है एंड एक शार्प वेपन से प्रांग के बेटे पर अटैक कर देती है। प्रांग का बेटा उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन रुजा उसकी आंखों में मिट्टी तेल डाल देती है जिससे वो कुछ नहीं देख पाता एंड देन रुजा उन दोनों पेंटिंग्स को उसके साथ ही आग लगा देती है। इसके बाद रुजा अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाती है और कार में रुजा रेचल से कहती है कि वो अपनी जान देकर भी उसकी जान जरूर बचाएगी। यहाँ हम एक फाइनल फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि प्रांग ने ही रुजा के फादर को जान से मारा था। मूवी के क्लोजिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पेंटिंग पूरी तरह से नहीं जली थी और उसकी आंख अभी भी मूव कर रही थी।
इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्रैक्ड फिल्म की कंप्लीट स्टोरी, अब हम इस फिल्म से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले डा की बात करते हैं, जिसे प्रांग ने हॉन्ट करके डायरेक्ट किया था कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे बाकी सबको यानी कि विचय और रोजा की फैमिली को खत्म करना होगा। इसलिए वो रेचल जो कि इजी टारगेट थी उसके पीछे लग गई थी। इसी दौरान उसे एक गलती हो जाती है और वो ये कि वो उस काला सांप को असली टीम के बैग में नहीं बल्कि प्रांग के बेटे के बैग में रख देती है, जिस वजह से लास्ट में प्रांग का प्लान खराब हो जाता है। दूसरी तरफ आपको वो सीन तो याद होगा ना, जहां टिम यानी कि प्रांग का बेटा रेचल के पैर में एक एंकलेट बांध देता है, सेइंग दैट कि ये इविल स्पिरिट से उसकी रक्षा करेगी। दरअसल वो कोई प्रोटेक्टिव एंकलेट नहीं था बल्कि उस पर ब्लैक मैजिक किया गया था जिससे प्रांग उससे आगे इजीली पजेस कर पाती है। फाइनली पास्ट में रुजा जब एक बच्ची थी तो जो कुछ भी हुआ इसमें रुजा का कोई हाथ नहीं था, वी कैन से कि वो निर्दोष थी, तो उससे बदला लेना आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइड। प्रेजेंट में वो अपनी बेटी को बचा लेती है, लेकिन मूवी के क्लोजिंग सीन में हम पेंटिंग में उस मूविंग आई से समझ जाते हैं कि या तो प्रांग या फिर अब इस बार उसके बेटे की स्पिरिट इविल टर्न कर गई है और उस पेंटिंग में आ गई है। एंड में बात करें मूवी के टाइटल की, तो वो मूवी में पेंटिंग्स के क्रैक होने एंड टू अ लार्जर एक्सटेंट ट्रुथ के क्रैक होने या फिर मिस्ट्री के क्रैक होने को जस्टिफाई करता है, देयरफॉर इट्स अ सूटेबल टाइटल फॉर द मूवी। तो बस यही थी मूवी क्रैक्ड की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप बिनोमो को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहां मेरा कोड XZ155 यूज कीजिएगा टू डबल योर डिपॉजिट। नाउ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।